Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter solutions, and today we will discuss question number eleven. So the question is: Calculate the mass of ascorbic acid, which is vitamin C, formula kudia has c 6 h C6H8O6, to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius. Kf for water is 3.9 Kelvin kg per mole. क्या करना है बेटा यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ एस्कोबिक एसिड मतलब आपको W2 टू यहाँ पर कैलकुलेट करना है W1 कितना गिवन है बेटा 75 फाइव ग्राम ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इसको W1 भी लिख सकते हैं W A भी लिख सकते हैं ठीक है और क्या गिवन है बेटा डिजोल्व इन 75 फाइव ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो 1.5 जो आपको दिया है ये क्या गिवन है बेटा दिस इज डेल्टा टी एफ कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है बेटा दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो हमें क्या करना है बेटा ये जो चेंज है इसको कैलविन में कन्वर्ट नहीं कर लेना है ठीक है क्योंकि चेंज तो चेंज होता है तो डेल्टा टी एफ को चाहे आप वन डिग्री सेल्सियस लो या फिर 1.5 लो एक ही बात है ऐसा हमने देखा है इसी चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन नंबर टेन में क्लियर अब क्या करना है आपको यहाँ पे की वैल्यू भी दी है, है केजी पर मोल ठीक इतनी चीजें हो गई हमारे पास अच्छा कैलकुलेट क्या करना है W2 एक और काम करेंगे यहां पर हमें जरूरत पड़ने वाली है मोलर मास ऑफ एस्कोबिक एसिड की तो एस्कोबिक एसिड का मोलर मास हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सी सिक्स एच एट ओ सिक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व इंटू सिक्स एट प्लस इंटू कैलकुलेट जब आप करेंगे इसको तो यह आएगा बेटा वन सेवेंटी सिक्स ग्राम पर मोल ठीक अब यहां पर लगाओ फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम एम इज द मोलालिटी इसको फिर हम करते हैं बेटा सिंप्लीफाई तो डेल्टा टी एफ इज एफ इंटू डब्ल्यू टू डिवाइड बाय डब्ल्यू वन इंटू एम टू इंटू वन थाउजेंड ये जो आपने यहाँ पे निकाला ये क्या था एम टू निकालना क्या है डब्ल्यू टू सो डब्ल्यू टू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ M2 टू डब्लू वन इंटू एम टू डिवाइड बाय के एफ इंटू वन थाउजेंड वैल्यूज पुट करेंगे बेटा सो डब्ल्यू टू इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव Into W1 कितना है बेटा सेवेंटी फाइव इंटू एम टू आपने अभी कैलकुलेट किया वन सेवन सिक्स डिवाइड बाई के एफ गिवेन है आपको into 1000. करेंगे इसको एट डबल जीरो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव पॉइंट जीरो सेवन नाइन सिक्स ग्राम्स तो आप लिख देंगे कि डब्ल्यू टू इक्वल्स टू फाइव पॉइंट जीरो एट ग्राम्स दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था बेटा ये तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसको ठीक है बेटा अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन के साथ जो होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए बाय बाय